नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना साथियों 9 बजे फेसबुक पे अपना लाइव आने का रूटीन होता है और आज आपके साथ 9 बजे फेसबुक पे लाइव हूं। आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, इसी विषय को लेकर अपना रोज़ाना वीडियो रहती है और आज भी इसी विषय पर वीडियो है। आज के बाज़ार भाव साथियों लगभग ठीक ठाक रहे हैं और कॉटन की फसल में कल भी मंदी थी, आज भी मंदी है। जो 2-3 दिन पहले जो तेज़ी थी वो तेज़ी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन लगभग ठीक ठाक है। बहुत से साथियों की उम्मीद बन रही है कि आने वाले समय में कॉटन के भाव हैं वो अच्छे अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस कदर अब तेज़ी बढ़ी है उसके अनुसार एक अनुमान और खुशी मिलती है कि आगे हमें अच्छे भाव देखने को मिलेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि भाई हमें आगे 14,000 प्लस वाले कॉटन के भाव मिले। और सरसों के भावों की भी तेज़ी की उम्मीद धीरे धीरे बननी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे बारिश का दौर ख़त्म होगा। थोड़े दिनों बाद सरसों की बुआई स्टार्ट हो जानी है और जैसे ही सरसों की बुआई स्टार्ट होगी उसके साथ साथ मंडी भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आज के जो मंडी भाव है साथियों आपके साथ में साथ के साथ मंडी भाव शेयर करेंगे, साथ के साथ हम अपनी चर्चा वो शामिल करेंगे। तो आज की रावड़ा मंडी में साथियों सरसों बिकी है 6355 रुपये और गेहूं 2150 और ग्वार बिके 4440 रुपये। पीलीबंगा में सरसों 6031, गेहूं 2232 और ग्वार बिके 4150 रुपये। लगभग अगर बात करूं तो बड़ी तेज़ी नहीं है आज भी, और कल और परसों के मुकाबले की बात करूं तो मंदी है। हालांकि सरसों कल भी मंदी थी, रमेश जी गोदारा ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। हालांकि सरसों कल भी मंदी थी और आज भी यही स्थिति बनी हुई है, तेज़ी का कोई दौर नहीं है। एलनाबाद में सरसों 6341, ग्वार 4350, चना 4622, गेहूं 2211 और मूंग बिके हैं 5100 रुपये। सारे साथी अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव भी शेयर कर दे भाई, क्योंकि बहुत मंडियां हैं, सारी मंडियों के मंडी भाव मैं नहीं बता पाऊंगा। तो जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी मंडी के मंडी भाव अगर आपके पास हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आए हों, चाहे फेसबुक के माध्यम से आए हों, जहां से भी आए हो वीडियो में आप ज़रूर शेयर करें भाई। संगरिया के मंडी भाव है जी, गेहूं 2220, सरसों 6170 और ग्वार 4205 और चना बिके 4488 रुपये ऊपर में। सादुल शहर की बात करूं तो सादुल शहर में आज सरसों बिकी है 6170, गेहूं 2200 और चना बिके आपका 4346 रुपये। लगभग बात करूं तो एवरेज मंडी भाव सारी मंडियों के मंडी भाव है। अब बात कर लेते हैं साथियों सिरसा मंडी की, तो सिरसा में आज सरसों बिकी है 6140 और गेहूं बिकी है 2225 रुपये। शिवानी मंडी की बात करूं तो चना बिके आपका 4800 रुपये, सरसों बिकी 6650, गेहूं 2275, जो 2625, मूंग 5500, तारामीरा 5100 और बाजरा बिके है 2125 रुपये। बट्टू मंडी की बात करूं तो सरसों 6233, ग्वार 4351, गेहूं 2235। नौर मंडी में सरसों 6325 रुपये और आदमपुर मंडी में सरसों 6250 रुपये। सिरसा मंडी में सरसों 6140, गेहूं 2225। उसके बाद संगरिया में सरसों 6170, सादुल शहर में सरसों 6170, अबोर में 6200 रुपये, पीलीबंगा में 6031, गढ़साणा में 6200 रुपये, अनूपगढ़ में 6306 रुपये, जोधपुर में 6700 रुपये, पलवल में नरमा बिका है 10400 रुपये, गेहूं 2270 रुपये, इंद्री मंडी में धान बिका है 1509 3700 रुपये और पीआर 26 है 1781 रुपये। टोंक में आज गेहूं 2230, जो 2640, चना 4410, मक्का 3000, मसूर 6230, उड़द 5000,
ग्वार 4200 और सरसों बिकी है 6600 रुपये। उसके बाद बीकानेर में आज चना 4570, सरसों 6000, ग्वार 4507 रुपये बिके हैं जी। मेड़ता मंडी की अगर मैं बात करूं तो मेड़ता मंडी में साड़िया 7450, तारामीरा 5000, इसबगोल 16100, रायडा 6400 रुपये, गवार आपका 4550, जीरा 24000 रुपये, सौंफ 11900, सुवा 8600, चना 4530 और मूंग 6000, यानी कि जीरे की शानदार तेजी रही है और 24000 काफ़ी टाइम बाद भाव देखने को मिले हैं। बाकी सारे जो मंडी भाव हैं भाई, सारे रूटीन के एवरेज मंडी भाव हैं, बता रहा हूं क्योंकि आप पूछ रहे हो इसलिए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। नौखा मंडी की बात करूं तो इस सब गोल 15800, जीरा 22000 रुपये, मेथी 5256, रायडा 5800 रुपये। फड़ौदी में साथियों सरसों बिकी 6321 रुपये, जीरा 22000 रुपये, तारामीरा 5100 रुपये, अरंडी 7300 रुपये, मेथी 5100, सौंफ 10500, इस सब 15100 रुपये। उसके बाद अगली मंडी है साथियों जयपुर की, जयपुर में जो 2600, तारामीरा 5150, उड़द 6400, मोठ 6300, गेहूँ 2210, मूँगफली 5400 रुपये, पीड़ी सरसों 6334, रायडा 6300 रुपये, मूँग 57, ज्वार 2800, ग्वार 4500 और चना 4600 रुपये। हसनपुर मंडी में नरमा बिके जी 10800 रुपये। भरतपुर मंडी में 42 लेब की सरसों बिकी है 6435 रुपये। और उसके बाद है सुमेरपुर में सरसों बिकी है 6550 रुपये। गंगापुर सिटी में सरसों का जो तेल है वो 1360 रुपये और सरसों की जो खड़ है वो 2600 रुपये बिकी है जी। होडल मंडी में नया नरमा 10400 रुपये बिकने की जो सूचना है वो अपने पास है जी। बीकानेर में सरसों 800 रुपये मंदी रही है, 6400 रुपये के भाव रहे हैं। मैनपुरी में आज 5800 रुपये, जोधपुर में 6200 रुपये, जयपुर में 6500 रुपये, झांसी में 5500 रुपये, सोलापुर में 7700 रुपये, लगभग एक मंडी है जो मंदे भाव में रही है। आदमपुर में नरमा 11800 रुपये बिके जी ऊपर में। और उसके बाद अगली जो मंडी है अपने पास साथियों सूरतगढ़ मंडी, तो सूरतगढ़ मंडी की अगर बात करूं तो सूरतगढ़ मंडी में आज गेहूं बिकी आपकी 2201 रुपये, चना बिका 4550, सरसों बिकी 6300 रुपये और ग्वार बिका 4235 रुपये। ये थे आज के मंडी भाव। आत्माराम जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका भी। आने वाले समय की साथियों जो आप तेजी मंदी का अनुमान लगा रहे हो या मैं अनुमान लगा रहा हूँ, वो अनुमान ये है भाई, जब तक मानसून सत्र जारी है, क्षेत्र में बारिश जारी है, तब तक तेजी के चांसेस हैं वो मेरे विचार से काफ़ी कम हैं भाई। कुल मिला के बात करूं तो अभी तेजी में थोड़े दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। धीरे धीरे तेजी बढ़नी स्टार्ट होगी, अचानक से तेजी नहीं आएगी। मेरा जो अनुमान है वो ये है, ओम प्रकाश जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका, और दूसरे किसान साथियों को कहने के लिए भी धन्यवाद। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि लगभग अगस्त के एंडिंग के आसपास आपको सरसों में तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रूटीन में बढ़नी शुरू हो सकती है, क्योंकि पिछले साल यही हुआ था। देखो परफेक्ट कुछ भी नहीं है कि 100% बढ़ेगी, लेकिन पिछले साल के जो अनुमान है उसके अनुसार आपको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पिछले साल इसी कंडीशन से बढ़ी थी और उसी अनुसार इस बार उम्मीद करते हैं कि वे सरसों के भाव है वो बढ़ेंगे। भाई हमारी तरफ भी ध्यान कर लो भाई जी, बताओ आपकी तरफ क्या ध्यान करना है। श्री गंगानगर सरसों का रेट भाई शायद मेरे पास आज नहीं पहुँचे हैं, और पहुँचे होंगे तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, और हो सकता है मैंने कुछ मंडियों के मंडी भाव छोड़ भी दी हैं, तो उसमें गंगानगर भी आज छोड़ दिया, क्योंकि मंडियाँ बहुत ज़्यादा मंडियों के मंडी भाव आ जाते हैं फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। वर्तमान समय में साथियों बारिश कहाँ कहाँ है, सीज़न के अनुसार बारिश जो गिर रही है वह कौन कौन से क्षेत्र में गिर रही है एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। संदीप जी आजकल गाँव में बाहर से परिवार आ रहे हैं, भाव भी बढ़िया लगा रहे हैं, उनको सरसों बेचते हैं। बिल्कुल भाई बेचो उनको। देखो
बाजार में जिस चीज के भाव आप जिस सरसों के भाव आपको 6,000 रुपये मिल रहे हैं और आपके घर में उसी सरसों के 6,500 से 6,600 रुपये मिल रहे हैं, तो यार सोचना तो आपको पड़ेगा ना कि भाई मामला कहाँ है क्या। हालांकि मैं पहले दिन से आपको ये कह रहा हूँ साथियों, माल आप सीधा फैक्ट्री में भी जाके ना बेचें, माल घर से भी ना बेचें, माल अर्थ के थ्रू ही बेचें। अगर आपका अर्थ है तो आप अर्थ के थ्रू बेचें, अगर नहीं है तो कांटे का और पैसे का दोनों का परफेक्ट ध्यान रखें। पैसा रोकड़ जेब में आना चाहिए, जैसे ही आपकी फसल उठे चाहे घर से हो चाहे फैक्ट्री में तुले, तुरंत प्रभाव से वो पैसा ले लेना है। दूसरा, तोल कम से कम 2 तोल करवाने हैं अगर आपने घर से अपना माल देना, तो दोनों तोल में से एक उसकी इच्छा से जो भी वो करना चाहे, एक आपकी इच्छा से जहां आप करना चाहें, तो है मामला ठीक। क्योंकि आज से तकरीबन 5 से 5 से 10 साल पहले की बात है, हमने अपना धान बेच दिया था, उसने कहा भैया धान हम तोलेंगे तिरपाई वाले कांटे से, हालांकि उसको हम सही मानते हैं, पर तिरपाई वाले कांटे से जैसे उसने धान तोला हमें लगा रही है डाउट कर रहा है, हमने कहा भैया हम नहीं तोलवाएंगे, हम धर्म कांटे का तोलेंगे, 2 धर्म कांटे का तोल रखेंगे। तो वो मना कर दिया उसने कि नहीं धर्म कांटा का तोल हम नहीं तोलेंगे। तो हमने कहा भैया हम अपना धान भी नहीं देंगे। मामला ज़्यादा उलझ गया और फिर वो तकरीबन 10 दिन बाद सुलझा और अंत पंत तिरपाई कांटे के ही माध्यम से हमने वो तुलवाया, लेकिन उसमें तोला हमारे मर्जी का था, हमारी इच्छा का था, अभी तोला हमारा रहेगा, तोलने वाला व्यक्ति है वो हमारा रहेगा, कोई बात नहीं तिरपाई वाले कांटे से ही तोल लेंगे। तो कुल मिला के अगर बात करूं तो भैया जो गांव में, हालांकि मैंने फेसबुक पे वीडियो भी डाली है और बहुत से भाइयों ने वो वीडियो डाली है जिसमें ठगी के शिकार हुए हैं, एक घरों में 1,000 रुपये का 1,00,000 रुपये का चूना लगा है। अरंडी की खेती के बारे में बताऊँ, अरंडी की खेती के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, फेसबुक पे भी हमने वीडियो डाली है, और जिस फार्मर की डाली है वो फार्मर आप ये मान के चलो जिले लेवल पे सम्मानित हुआ फार्मर है स्पेशल अरंडी को लेके, तो वहाँ उस फार्मर से भी आप नॉलेज ले सकते हो, और उसके खेत की वीडियो भी हमने डाली है, क्या कुछ किस्में लगाई हैं, क्या कुछ किया उसने, सारा कुछ है कि आज के भाव सरसों का सूरतगढ़ मैंने बताए हैं। शायद आप मदन जी लेट जुड़े हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देखोगे तो आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। तेजी मंदी का साथियों धीरे धीरे सार बनने वाला है, कल परसों तक अपने फेसबुक और यूट्यूब पे सरसों को लेके वीडियो अपलोड कर देंगे कि कौन कौन सी किस्में हमें लगानी चाहिए, कौन सी किस्म में क्या है, टॉप 5 किस्में कौन सी है। तो सरसों पे अपनी 5 से 7 वीडियो रहने वाली है, तो सारे साथी देखें भाई और अपना अनुभव जरूर बताएं कि आपके लिए कौन सी किस्म अच्छी है कौन सी नहीं है। तो मेरे अनुसार जो मुझे ठीक लगी वो मैं बता दूंगा। और वर्तमान समय में कॉटन की फसल का सर्च करने का समय आ चुका है, आपके क्षेत्र में कौन सी कॉटन की वैरायटियां बेस्ट हैं वो आपको अभी से देखनी शुरू कर देनी है, और अगले साल के लिए अभी से डिसीजन ले लेना है कि हमें कौन सी वैरायटी का लगानी है, कौन सी का हमें चयन करना है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय 8 और 9 को मेला लग रहा है जी, उस मेले में आप जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। देखो आप लोगों के लिए वहाँ देखने के लिए कुछ भी ना हो चाहिए, जो वहाँ स्टालें लगती हैं, जो वहाँ दुकानें लगती हैं, वहाँ शायद कुछ भी ना हो आप लोगों के लिए देखने के लिए, लेकिन वहाँ उन लोगों की जो फसलें हैं उनके डेमोस्ट्रेशन लगे होते हैं, कौन सी वैरायटी में कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सी वैरायटी में क्या बीमारी आ रही है क्या नहीं आ रही है, उनका फील्ड का विजिट करो आप यूनिवर्सिटी में जब आप जाओ। तो क्षेत्र में जो भी मेले लग रहे हैं किसान साथियों को वहाँ अवश्य